मैम आप कब से शैफ हो? बहुत सालों से। कुछ साल तो आपको दुनिया में आए हुए हैं। क्राइम पेट्रोल चल रहा है, ठीक है, फीलिंग लेना। जी हाँ, एक 14 साल की लड़की ने जादू कर दिखाया। देखिए, आए सारे देखिए कि उसने कैसे आलू का परोठा बना दिया। 1 आटा 2 आटा 3 आटा आज सारे आशिमा परोठे बना दिए, क्योंकि आज इनके ऊपर आशिमा का आशीर्वाद है। दोनों हाथ से लेते हैं पुरस्कार। ये लिया गया आशिमा जी की तरफ से 101 का पुरस्कार। हे वसफ एम, क्या हाल चाल है सुबह जारी? कितना कैट हो सारे। सो यार, आंखें तो खुल नहीं रही, मुंह भी धो लिया, अभी नहाया तो जा नहीं रहा, क्योंकि इट्स अ संडे। तो आपको पता है संडे तो सुस्ती भरा दिन होता है ना हमारे लिए। वो नहीं होता संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, हमारे लिए होता है संडे हो तो आराम करो, ठीक है। अभी आशिमा ने मेरे को कड़क सी चाय बना के दे रखी है, ये तो मैंने ना एक्चुअली कल रात ना यार एक जगह चाय पी थी, वहाँ पे पता नहीं इतनी स्ट्रॉन्ग थी, मतलब मज़ा ही अलग आ गया, मेरे को समझ नहीं आया क्या था, तो थोड़ी सी कॉपी करवाने की कोशिश करी, बट आशिमा इसमें फेल हो गई है। नॉर्मल लग रही है जैसे घर पे होती है, ठीक है। बट आज का व्लॉग बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, आज मैं अपनी लाइफ का व्लॉग बना रहा हूँ एक किस्म का। सो हियर इज द लाइफ। आज आशिमा मुझे खिला रही है आलू के परोंठे। मेरा मन कर रहा आज कुछ खाने का, मम्मी थी नहीं, मम्मा गए हुए हैं, तो आज आशिमा मुझे आलू के परोंठे खिला रही है। और ये खड़ी है आशिमा। आशिमा छिपती फिर रही है क्योंकि यार देखो संडे है, सब घर घूर के आउटलुक में होते हैं। दिखाइए भाई क्या चल रहा है। ये आशिमा ने यहाँ पे ले रखा पेड़ा। अच्छा, इसको बेलना आता है, बेल दे भाई, बेल दे। मैम आप कब से शेफ हो? बहुत सालों से। हैं? बहुत सालों से। कुछ साल तो आपको दुनिया में आए हुए हैं। एक आशिमा ने देखो यहाँ पे रख रखा है, देखो क्या बात है, मतलब कोशिश करने की। आशिमा एज बता दे अपनी कितनी है एक बार। 14 की एज है। और आशिमा को हमने रोटी बनाने में लगा दिया, क्योंकि जॉब तो 14 में मिलती नहीं है, पर रोटी जरूर बन जाती है 14 में, इसलिए यहाँ पर बैठ कर टीवी तोड़ने से बढ़िया है रोटी बना देना भाई के लिए। मम्मी गई हुई है तो फिर बहनों को फर्ज निभाने पड़ते हैं, वो बड़ी बहन निभाती है, अभी थोड़ी लेट आई है, क्या कर सकते हैं। तो आज ना पता है क्या, आज का व्लॉग ना अलग इसलिए होने वाला है, आज हम आपको दिखाएंगे कि 14 साल की लड़की, जी हाँ, क्राइम पेट्रोल चल रहा है, ठीक है, फीलिंग लेना। जी हाँ, एक 14 साल की लड़की ने जादू कर दिखाया। देखिए, आए सारे देखिए कि उसने कैसे आलू का परोंठा बना दिया। केवल केवल 14 साल की लड़की। आपको जानकर अचंबा होगी कि 14 साल की लड़की ने परोंठे कैसे बनाए, कैसे बनाए, खा के बताएंगे, अभी ऐसे तो पता लगेगा नहीं। अभी एक तो बन रहा है मेरा परोठा, क्या बात है, ओए होए, शक्ल ऐसी आशिमा जैसी, मतलब सुंदर सुंदर है, सुंदर है, जिससे खाना मिल रहा है उसको गुस्सा थोड़ी कर सकते हैं हम। ये आशिमा है, इधर ये बनेगा, इधर अपना बटर चलेगा यहाँ पे मॉडर्न मदर डेयरी का। और उसके बाद अभी दिखा भाई आशिमा पब्लिक को, ऐसे पहले रोटी बेले, थोड़ा इसको स्पीड में बेले, यहाँ से कोने को हटाए, ये आपने क्या छींक मारने के लिए रख रखा है कि छींक करूंगी आछू, इसके अंदर छींटे इकट्ठे कर लेंगे और उसके बाद ऐसे बटर बना देंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इधर रोटी, होए होए होए, गुनो टच वुड, आंखों में पानी आ गया मेरे, ओ सॉरी मुंह में पानी आ गया मेरे। तो आशिमा रही है शर्मा, बिकॉज इसको दिख रहा है ये यूट्यूब पर जाने वाला है। कोई ना मेरे बच्चा, दुख सुख जिंदगी में चलता रहता है। क्या बात है, द मास्टर शेफ आशिमा को हमने होल्ड दिया और हमने यहाँ पे बल्ब लगाया जिससे थोड़ी सी डार्कनेस कम हो जाए। और यहाँ पे ओहो, एक तो टिक्की जब्त करके बैठी आशिमा साइड में चुपचाप। थोड़ा सा और आलू लगाए भाई की सेहत देख के लगाए। ये देखो सेहत, ये देखो, 1 आटा 2 आटा 3 आटा आज सारे आशिमा परोठे बना दिए, क्योंकि आज इनके ऊपर आशिमा का आशीर्वाद है। कुछ भी। चल ये भर दिया इसके अंदर आलू आलू आलू। कमेंट्री ऐसे क्यों चल रही है जैसे वो क्रिकेट के शो चलती रहती है। सारी मेंट्रियां इकट्ठी हैं। इसको हमने फिलहाल कर दिया है बंद। गौर से देखिए इस औरत को, 14 साल की, ओ दोबारा गौर से देखिए इस बच्ची को, ये 14 साल की बच्ची बनाती है आलू के इतने टेस्टी लाजवाब परोठे।
अभी इसको बेलती है, इतना ये बेलती है, इतना हम इसको बेलते हैं। ये रेडी हो गया बच्चों। सो खाने से पहले गए आशिमा ने इसको ऑलरेडी बेल दिया। आपको पता है हमारा छोटू मास्टर शेफ कितना तेज है। क्या बात है, ओह भाई, ये आ गया अपना परौंठा और ये मक्खन ले लिया। चाय गर्म करवाई थी दोबारा, क्यों झूठ बोलूं। एज ऑलवेज बेस्ट। अभी यहाँ पे बिल्कुल जनवन रिव्यू दूंगा। पूरा कर लिए फिनिश, बिल्कुल जनरल रिव्यू दूंगा। अभी बता रहा हूँ, बस दो मिनट दो। उसको इनाम देते हैं पहली बारी कुछ बनाने का। क्या कर रही है? क्या बात है, अपने भी कुछ बना के खड़ी है। देखो टिक्की खाएंगे ये, क्या बात है। सो भाई बिल्कुल जेन्युइन काम, मैं बताता हूँ क्या था। थोड़ी सी लेयर मोटी थी बट टेस्टी, टच वुड बहुत टेस्टी थे, बिल्कुल जैसे मम्मा बनाते हैं। थोड़ी सी मतलब चपाती की लेयर मोटी थी तो उस करके थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था, बट वो पहला ही परौंठा लग रहा था। दूसरे वाला तो 10 out of 10, पहले वाले को 10 out of 9 कर लेते हैं। थोड़ा सा मोटा लग रहा था, पर उम्र ही कितनी है, केवल 14 साल। तो देख सकते हैं आप कि इस बालिका ने 14 साल की उम्र में आलू का परोठा बना दिया। हो सकता है आपके घर में 10, 11, 12 साल के बच्चे भी बना देते हो, क्योंकि मैं जब भी कुछ ऐसा बनाता हूँ आप लोग कमेंट कर सकते हैं नीचे कि अरे हमारे घर में तो 9 साल का बना देता है। आप लोग सुपरमैन हो यार, हम लोग ह्यूमैन है, ह्यूमैन। सो आशिमा को खुश होकर आज दिए जा रहे हैं सभी के समक्ष पहली बार इज्जत से परोठे बनाने के 101 रुपये। प्लेट नीचे रख के दोनों हाथ से लो जल्दी, दोनों हाथ से लेते हैं पुरस्कार। ये लिया गया आशिमा जी की तरफ से 101 का पुरस्कार। सो ये थी छोटे सा व्लॉग आज का, जो आशिमा ने परोठे बनाए। आप अपने घर पे भी देख सकते हैं इस व्लॉग को, दोबारा से बनाना बना सकते हैं। और जीमेल कर देना मुझे, मेरे को परोठे की फोटो भेज देना कि भाई ऐसा बनाया हमने, आशिमा दीदी को देखा था। सो मिलेंगे गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर। और ऐसे चुलदार व्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें अगर अच्छी लगी हो, मेरी कॉमेडी कैसी लगी, सावधान इंडिया कैसा लगा कमेंट कर दें। सो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आज इसको करने दो, आइए। सो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।